दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों टीमों ने पहले दिन कुल 23 विकेट गंवाए। गेंदबाजों ने इस दौरान खूब तबाही मचाई। हालांकि टेस्ट मैच के पहले दिन फिर भी सबसे ज्यादा विकेट गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। बता दें, केपटाउन टेस्ट 23 विकेट के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1902 में बना था। 1902 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेले गए एक टेस्ट मैच के पहले दिन कुल 25 बल्लेबाज आउट हुए थे। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहीं टेस्ट मैच के 5 में से किसी एक दिन सर्वाधिक विकेट गिरने का रिकॉर्ड 27 विकेट का है। रिकॉर्ड के हिसाब से 1888 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच के दूसरे दिन गेंदबाजों ने कुल 27 शिकार किए थे। अब मैच की बारीकियों की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 55 रनों पर ढेर हो गई। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम का यह सबसे लोएस्ट स्कोर है। मेजबान टीम को 55 रनों पर समेटने में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अहम भूमिका निभाई। 9 ओवर में इस गेंदबाज ने मात्र 15 रन खर्च कर 6 विकेट चटकाए। ये टेस्ट क्रिकेट में सिराज का एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जबकि 2-2 विकेट बुमराह और मुकेश के नाम रहे। इसके बाद बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया भी 153 रनों पर सिमट गई। एक समय भारत का स्कोर 153 पर 4 था, मगर लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाड़ा की खतरनाक गेंदबाज ने भारत को इसी स्कोर पर 2 ओवर में ही समेट दिया। टीम इंडिया ने 2 ओवर में 6 विकेट गंवाए और बिना कोई रन बनाए लगातार 6 विकेट खोने का शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहले ही दिन अपनी दूसरी पारी की शुरुआत भी की। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबानों ने 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। भारत अभी भी साउथ अफ्रीका से 36 रन आगे है।